दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि फिक्स टीथ कैसे लगवाएं, मतलब फिक्स टीथ लगवाने के लिए आपको क्या प्रोसेस से गुजरना होगा, ये आप इस वीडियो में देखेंगे। तो फिक्स टीथ कैसे लगवाएं, इसके बारे में वीडियो को देखने के लिए या ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी पाने के लिए आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। इससे हमें एक मोटिवेशन मिलेगी, हमें प्रेरणा मिलेगी, जिससे हम और भी वीडियो बना पाएंगे और आप तक सही जानकारी भी पहुँच सकेगी। इसके लिए आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। तो देखते आइए देखते हैं कि परमानेंट टीथ कैसे लगवाते हैं। तो सबसे पहले हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि परमानेंट टीथ लगवाने के लिए हम देखेंगे कि हमारे टीथ जो होते हैं, देखिए जैसे क्या है कि बीच में ये टीथ अगर नहीं है तो हमें यहाँ टीथ लगवाने के लिए, अगर परमानेंट टीथ हम लगवाना चाहते हैं तो या तो एक ये होता है कि इम्प्लांट आप लगवा लें, नहीं तो इम्प्लांट अगर नहीं लगवाना चाहते हैं तो आप ये जो टीथ दिख रहा है और ये टीथ दिख रहा है इसके सपोर्ट से आप इस पर टीथ लगवा सकते हैं, जिसे ब्रिज भी कहा जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या किया जाएगा कि आपका देखा जाएगा कि अगर ये टीथ और ये टीथ मजबूत है, दोनों अगर टीथ मजबूत है तो आपको इस पर और इस पर ऐसा ब्रिज बनाया जाएगा इसके माप का। सबसे पहले इसकी कटिंग की जाएगी और इसकी भी कटिंग की जाएगी ताकि इस पर ब्रिज को फिक्स तरीके से बैठाया जा सके। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि ये हमारा सैंपल है जो वो ब्रिज बैठाने का, इस पर और इस पर कटिंग किया गया है और इसके बाद से आप देखेंगे कि इस पर ब्रिज को ऐसे बैठा दिया जाता है। तो ऐसे ही आपका भी टीथ अगर परमानेंट लगाया जाता है तो अगर आपके ये टीथ मजबूत होते हैं, अगर आपके ये और ये टीथ मजबूत होते हैं तो आपके टीथ की, इस टीथ की और इसकी कटिंग की जाएगी और कटिंग करने के बाद से इस पर बैठा दिया जाएगा ऐसे टीथ को और आपका जो है फिक्स टीथ तैयार हो जाएगा। इसका सैंपल लेंगे सबसे पहले और 2-3 दिन बाद जब आपको बुलाया जाएगा, जब भी आपको बुलाया जाएगा तो आप जब जाएंगे तो उसके बाद से आपका टीथ इस पर लगा के और चिपका दिया जाएगा, अच्छी तरह से फिक्स कर दिया जाएगा। और फिक्स करने के बाद एक कंडीशन और होता है इसमें कि अगर मान लीजिए कि ये टीथ आपका मजबूत नहीं है तो आपका इस टीथ को देखा जाएगा, अगर ये टीथ भी मजबूत नहीं है तो इस टीथ को देखा जाएगा। तो इन दोनों को छोड़कर इस पर और इस पर ब्रिज दिया जाएगा, सपोर्ट दिया जाएगा और इस पर सपोर्ट देने के बाद से इसका पूरा ब्रिज बनाया जाएगा और इस पर आपके दांत को बैठा दिया जाएगा। जिसके जो होते हैं, आप अगर कहते हैं कि एक टीथ लगवाने हैं तो आपको सिर्फ एक टीथ नहीं लगते हैं, आप अगर एक टीथ सिर्फ लगवाना चाहते हैं तो वो RPD लगता है, RPD टीथ लगता है, मतलब वो सिंगल टीथ होता है, रोज़ निकालेंगे आप और रोज़ लगाएंगे ऐसे टीथ होते हैं। तो ऐसे टीथ होते हैं जो वो रोज़ निकालने और लगाने पड़ते हैं, मतलब रोज़ साफ़ करने पड़ते हैं आपको। और परमानेंट टीथ के लिए जैसे आप देखेंगे कि यहाँ है एक टीथ जो है रोज़ निकालने लगाने के लिए, ये इम्प्लांट टीथ है, ये काफ़ी चार्ज इसका महंगा होता है, ये हर कोई नहीं लगवाता है, लेकिन लगवा सकते हैं अगर आपके मसूड़े टूटे हैं तो। लेकिन आपको हम दिखा रहे हैं कि जो निकालने लगाने वाला टीथ होता है, जैसे आप देख पाएंगे इस वीडियो में कि ये जो टीथ है RPD आपका सेम ऐसे बनेगा कि एक टीथ होंगे और पीछे से ऐसा जो होता है वो केमिकल का बना होता है और उस पर जो है ऐसे आप अपने टीथ को रोज़ निकालेंगे और रोज़ लगाएंगे और इस तरह से आपके मसूड़े के कलर का ये पीछे का सारा पार्ट रहेगा, बाकी ये सिर्फ आपका टीथ वाइट रहेगा और ऐसे बैठा लेंगे, ऐसे निकालेंगे, जब चाहेंगे तब ऐसे हो सकता है आपका। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप फिक्स टीथ लगाते हैं या कौन सा टीथ लगाते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि हमारा जो फिक्स टीथ लगाने का प्रोसेस है, जैसा कि मैंने बताया कि अगर ये और ये दांत का आपका मजबूत है तो आपको ये फिक्स टीथ लग जाएगा, अन्यथा आपकी क्या करनी पड़ेगी, इस पर और इस पर सपोर्ट देना पड़ेगा, अगर ये भी ख़राब है तो इस पर देना पड़ेगा, ऐसे मतलब देखना पड़ेगा कि कौन सा आपका टीथ मजबूत है। तो इसके हिसाब से फिक्स टीथ का माप लिया जाएगा, माप लेने के बाद से इसकी कटिंग की जाएगी, कटिंग करने के बाद से आपका माप लिया जाएगा और माप लेने के बाद से आपका टीथ लग जाएगा। तो ये जो होता है निकालने लगाने की अपेक्षा थोड़ा उससे कॉस्टली होता है और ये जो होता है लगभग ये ज़्यादा कॉस्टली होता है। ये जो टीथ आप देख पा रहे हैं स्टील का लगा है, इसे इम्प्लांट बोलते हैं, ये एक टीथ की कॉस्ट लगभग इसमें जितना आप एक टीथ लगाएंगे, ये एक टीथ की कीमत जितनी होती है उसमें आप 10 टीथ लगवा लेंगे, इतना कॉस्टली होता है ये। और ये जो होता है इसलिए होता है कि अगर आप इस पर सपोर्ट नहीं देना चाहते हैं या इस पर नहीं देना चाहते हैं या मान लीजिए आपका ये टीथ जो है ख़राब है, सपोर्ट देने लायक नहीं है, तो आपके इसमें जो है ड्रिल किया जाता है और ड्रिल करने के बाद से आप देख पा रहे होंगे कि आपका टीथ जो है इस पर लगा दिया जाता है। तो सबसे हम आए थे बात करने के लिए फिक्स टीथ, नॉर्मल फिक्स टीथ कैसे लगता है। तो आपने देखा कि नॉर्मल फिक्स टीथ कैसे लगता है,
और हमने इस वीडियो में बताया कि नॉर्मल फिक्स टीथ लगता है, ऐसे कटिंग करने के बाद से आपके अगर एक बीच में टीथ गायब है तो इस पर कटिंग की जाएगी। अगर मान लीजिए दो टीथ गायब है तो आपकी इसको इस पर कटिंग की जाएगी और यहाँ दो ब्रिज बना दिया जाएगा। ऐसे देख सकते हैं, तीन दांत को एक में जोड़ दिया जाएगा और दो को जो है इस पर ऐसे फिक्स कर दिया जाएगा और आपका ये फिक्स टीथ तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारी वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि हमें भी इससे मोटिवेशन मिलता है, अभी प्रेरणा मिलती है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हम वीडियो बना पाएंगे और आपके दांत तक आपकी जानकारी पहुंचती रहेगी। और धन्यवाद।